पायलट व्यूअर्स, आज जो है स्लैब कास्टिंग है 27 मई। क्लाइमेट भी ठीक है। लास्ट टाइम क्या है, थोड़ा सा बारिश आया था। आई विश इस टाइम सब अच्छे तरीके से हो जाए। सो ये जो है सेंटरिंग का वर्क किया गया था, इनको जो मदीन है बहुत अच्छा काम करें। एंड यहाँ पर देखिए, आज मैं आपको स्लैब कास्टिंग करना है तो आपको क्या कितना इन्वेस्ट होता है, मतलब छत डालने को कितना पैसा चाहिए सेपरेट मैं बताऊंगा। मतलब कितना रॉड चाहिए, कितना रॉड, कितना केजी का रॉड लगा हुआ, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कॉस्ट बताऊंगा। उसके अलावा लेबर चार्ज एंड जो रेत लाएगा, कंकर कितना होना, रेत कितना होना और सीमेंट। ओके, पूरा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है, वीडियो को आप देखिएगा। एंड सपोर्ट टू रेज 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। नो रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, जस्ट आई एम टेकिंग द वीडियो। ऑल क्रेडिट गोज टू द हाउस ओनर, इंजीनियर एंड द वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। सो चलिए अब हम चलते हैं, एंट्रेंस करते हैं। इसको हम बोला जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर। सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर वो होता है जो कॉलम के साथ साथ दीवार उठाते हैं, उसे हम सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हो गया आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। मेरा सजेशन, जिसके पास टाइम है आप सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाइएगा, मतलब दीवार के साथ साथ कॉलम रेज करिए। ओके, चल लेट अस एंटर इनटू द साइट। ये आपका सीमेंट के थैला। आज की डेट में लॉकडाउन में 360 के 370 ऐसे कुछ चल रहा है रेट। अल्ट्राटेक का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तो कितना चाहिए आपको अल्ट्राटेक का? 110 बैग, 30x40 स्लैब कास्टिंग है, फुल्ली एरिया कवर्ड, 30x40 स्लैब, सिर्फ और सिर्फ छत के लिए। 5 इंच का छत आता मोटाई में, उसको चाहिए आपको 110 थैले चाहिए। और उसके अलावा जो है कंकर दिखेगा यहाँ पर, जो मंगाए गए कंकर 400 फीट यानी कि 12,000 रुपये के कंकर है, और 360 रुपये आपका ये सीमेंट के थैले हैं। सो 360 × 110 कर लीजिएगा आप, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाता। उसके अलावा जो है रेत तो पहले का ही है, पहले जितना मंगाया था तो वही दो लारी कुछ मंगाए थे, वही बच गया है। इतना काफ़ी है, बहुत सफिशेंट है। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयरकेस देखिएगा, जिगजैग तरीके से लिया गया, बहुत अच्छा है एंड देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और देखिएगा यहाँ पर कवर ब्लॉक्स दिए गए हर तरफ। सो कवरिंग बीम के लिए कवरिंग जो रहता, 1 इंच का कवरिंग यहाँ पर दिया गया सभी तरफ। ओके, 1 इंच का कवरिंग यहाँ पर देखिए। कॉलम को जो कवरिंग रहता 1.5 इंच का, इधर से ऐसा 1.5 इंच का कवरिंग कॉलम के लिए। बीम की बात करें तो 1 इंच का कवरिंग रहता, बट ज़्यादा दिख रहा है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल की बात करें तो सीमेंट के लिए जो है 39,600 रुपीज़, और ये जो लोहा लाए ना, मतलब जितना भी छत को यूज़ हुआ है वो 1300 kg हुआ है, मतलब 1.3 टन इंटू मल्टीप्लाई बाई 63 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बोले तो 81,900। एंड उसके अलावा जो है कंकर लाया गया वो 12,000 रुपये का कंकर है, एक टिपर 400 फीट। एंड उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का ये जो पाइप वो सब रहता है ना, करीब करीब 10,000 मान लीजिएगा। एंड उसके अलावा जो है रेत भी आप पकड़ सकते हैं, एक टिप्पर बोले तो करीब करीब एक 30 टन ऐसा कुछ, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो कारीगर का खर्चा रहता है इन्हों फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, पर फ्लोर 1 लाख रुपीज़ ऐसा कुछ लिए है, मतलब इसमें लिंटल बीम नहीं है शायद ऐसा कुछ। तो इनका जो रेट चलता है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की, स्लैब एरिया जो है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चलता है वर्कर्स का।
इस तरह से बनाया गया। एंड ये जो रॉड देख रहे हैं यहाँ पर 10 mm और 8 mm लाए गए। शॉर्ट स्पैन जहाँ पे रहता उधर 10 mm, लॉन्गर स्पैन जहाँ पे रहता वहाँ पे 8 mm का। उसके अलावा बीम की बात करें तो इधर एक्स्ट्रा कर्टेल एक्स्ट्रा बार लिया गया टॉप पे, या और थोड़ा ओवरलैप हुए तो भी चलता। फिर उसके बाद जो है बॉटम में वो दिखेगा रॉड। इस तरीके से लिया गया है यहाँ पे। एंड बार्स भी जो है ना अल्टरनेट कटिंग के बनाएगा। सो एक छत डालना है तो आपको अप्रोक्सीमेट 3 lakh rupees तो रहना ज़रूरी है, मतलब 2.5 lakh rupees चाहिए छत के लिए। खासकर सपरेट छत की बात करें तो आपको अप्रोक्सीमेट 2.5 lakh rupees होना है। 1 lakh rupees स्टील में, फिर बाकी का कंकर रेत वो उसमें एक करीब करीब एक 50-60 हज़ार, फिर ये पाइपिंग पाइप फिटिंग रहता, फिर इलेक्ट्रिशियन का वर्क उनका एक खर्चा, और जो सेंटरिंग वाले रहते हैं उनका भी खर्चा रहता है। एंड ये जो मशीन लाया जाता है ना ये रेंटल पर्पज़ का 6000 कुछ रहता है रेट, तो उतना। नीट वर्क बनाएगा, मतलब हर तरफ सही तरीके से कवरिंग भी दिया गया इतना। ये 15 mm का कवरिंग है, आधा इंच करीब करीब। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ग्रेट डे।